वेलकम टू यू ऑल एट माई YouTube चैनल स्टडी टाइम विद एस के। हेलो, दिस इज़ सोनाली कुमारी और आज हम कवर करने वाले हैं BPHE 106 थर्मोडाइनमिक्स एंड स्टेटिस्टिकल मैकेनिक्स के क्वेश्चन यहाँ पर हम देखेंगे इस वीडियो के अंदर। यहाँ पर हम 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हैं थर्मोडाइनमिक्स से रिलेटेड, तो स्टार्ट करेंगे आज के इस वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 1 है, फॉर टू और मोर फेसेस of one component system to exist in equilibrium, the specific Gibbs potential must be equal. Using this fact, derive Clausius Clapeyron equation. बहुत बार पूछा गया है ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ पर, ए पर्सन कंज्यूम्स अ डाइट ऑफ 10^4 जूल पर डे एंड स्पेंड्स अ टोटल एनर्जी ऑफ 1.2 × 10^4 जूल पर डे। कैलकुलेट द डेली चेंज इन हिज और हर इंटरनल एनर्जी। इफ़ द नेट एनर्जी स्पेंड कम्स फ्रॉम सुक्रोज एट द रेट ऑफ 1.6 × 10^4 जूल के जी इनवर्स, इन हाउ मैनी डेज विल द पर्सन रिड्यूस हिज और हर मास बाय 1 kg। ये क्वेश्चन भी काफ़ी टाइम पूछा गया है आपके एग्जाम में। इस क्वेश्चन में आपको करना दो चीज़ें हैं। सबसे पहले ये कि आपको उस पर्सन के बॉडी में होने वाले इंटरनल एनर्जी के चेंज को बताना है। सेकंड थिंग कि कितने दिनों में वो जो पर्सन है वो अपना मास बाय 1 kg रिड्यूस कर पाएगा, ये आपको बताना है। यहाँ पर आपको डेटा दे रखा है उसके डाइट में जो वो कंज्यूम कर रहा है एनर्जी उसकी, और टोटल एनर्जी जितना वो स्पेंड करता है वो, फिर सुक्रोज से उसे जितनी एनर्जी मिलती है वो सारी चीज़ें यहाँ पर आपको दे रखी हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में, डिफाइन कोफिशियंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ अ गैस, डिराइव इट्स एक्सप्रेशन, डिस्कस इट्स टेम्परेचर एंड प्रेशर डिपेंडेंस। क्वेश्चन नंबर 4 है, ऑब्टेन एक्सप्रेशन फॉर आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी ऑफ अ वैन डेर वाल्स गैस। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट इज जूल थॉम्सन इफेक्ट, डिस्कस क्वालिटेटिवली हाउ इट इज यूज टू प्रोड्यूस लो टेम्परेचर्स, वाई इज इट ऑल्सो कॉल्ड आइसो इंथैल्पिक इफेक्ट। एक चीज़ कि यहाँ पर जो क्वेश्चंस होते हैं PHE 6 के अंदर, उसके अंदर 2 से 3 चीज़ें पूछी जाती हैं क्वेश्चन के अंदर, तो आपको उन तीनों चीज़ों का आंसर उसी स्टेप में देना है जिस तरीके से क्वेश्चन में पूछा हुआ है। इससे 2 चीज़ें होती हैं, सबसे पहले तो आप कोई पॉइंट मिस नहीं करते हैं, जितनी चीज़ें पूछी हैं वो उतनी चीज़ें बताते हैं, एंड दूसरी चीज़ ये हो जाती है कि जिस वे में आंसर चाहा जा रहा है इस क्वेश्चन को लेकर के उसी वे में आपका आंसर जाता है। एक और चीज़ कि जब भी आप अपनी प्रिपरेशन करते हैं चैप्टर वाइज या यूनिट वाइज, तो आपको ये ध्यान में रखना है कि आपके यूनिट के अंदर एक मेन डेरिवेशन होता है, इसके बाद जो डेरिवेशंस होते हैं वो उसमें से कुछ पॉइंट्स ही आगे और इंक्लूड होता है। तो जो भी आपका मेन डेरिवेशन हो चैप्टर के अंदर यूनिट के अंदर, उसे आप काफ़ी ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है, उसे काफ़ी ध्यान से आप डिराइव करें, इससे आपको याद वो ज़्यादा समय तक के लिए रहेगा, साथ ही साथ एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है यहाँ पर, व्हाट आर बोजोन्स एंड फर्मायंस, गिव एटलीस्ट 2 एग्जांपल ऑफ ईच ऑफ द 2 आइसोट्रॉपिक ऑफ हीलियम, विच वन इज बोजोन एंड विच वन इज फर्मायन, जस्टिफाई। क्वेश्चन नंबर 7 है, यूजिंग मैक्सवेल्स रिलेशन डिराइव फर्स्ट एंड सेकंड TDS इक्वेशन और डिराइव फर्स्ट एंड सेकंड एनर्जी इक्वेशंस। जरूरी नहीं है कि दोनों एक ही साथ पूछ लिया जाएगा 5 और 10 मार्क्स में। एक साल पूछा जाता है TDS इक्वेशन के लिए, तो दूसरे एग्जाम साइकिल में एनर्जी इक्वेशन के लिए पूछा जा सकता है, दोनों चीज़ें कभी एक साथ नहीं पूछी जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है यहाँ पर, व्हाट इज थर्मोकपल, हाउ इट इज़ यूज टू मेजर टेम्परेचर, डिस्कस इट्स मेरिट्स एंड लिमिटेशंस। थर्मोकपल्स क्या होते हैं, फिर उसका यूज़ किस तरीके से है टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए, और फिर उसका आपको मेरिट और लिमिटेशंस को डिस्कस करना है, और आप 2 मेरिट और 2 लिमिटेशंस तो दें ही। क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय द टर्म सेकंड ऑर्डर फेस ट्रांजिशन, सो दैट फॉर अ सेकंड ऑर्डर फेस ट्रांजिशन दिस एक्सप्रेशन। सबसे पहले तो आपको एक्सप्लेन करना है यहाँ पर कि आप सेकंड ऑर्डर फेस ट्रांजिशन से क्या समझते हैं, और इसके बाद आपको ये वाला एक्सप्रेशन डिराइव करना है जो आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 है, सो दैट द फेज स्पेस ऑफ अ लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर इज एन इक्लिप्स। क्वेश्चन नंबर 11, स्टेट कैल्विन प्लैंक एंड क्लॉसिस स्टेटमेंट ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स
सो दैट दीज टू स्टेटमेंट्स आर इक्विवेलेंट. जो थर्मोडायनेमिक्स का जब हम सेकेंड लॉ पढ़ते हैं तो वहाँ पर हमें दो स्टेटमेंट पढ़ने के लिए मिलते हैं, कैल्विन प्लैंक और क्लॉसिस का. ये दोनों स्टेटमेंट सबसे पहले आपको यहाँ पर स्टेट करना है, इसके बाद ये शो करना है कि ये दोनों स्टेटमेंट एक दूसरे के इक्विवेलेंट हैं. क्वेश्चन नंबर 12 है, व्हाट इज गिब्स पैराडॉक्स. डिराइव सेकंड टेट्रॉड इक्वेशन फॉर द एंट्रोपी ऑफ एन आइडियल मोनोएटॉमिक गैस एंड शो हाउ इट इज फ्री फ्रॉम गिब्स पैराडॉक्स. क्वेश्चन नंबर 13, स्टार्टिंग फ्रॉम द रिलेशन गिवन है यहाँ पर आपको, ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर एडियाबेटिक लैप्स रेट. इस इक्वेशन को स्टार्ट करते हुए, इस इक्वेशन को ध्यान में रखते हुए यहीं से स्टार्ट करना है और आपको एक एडियाबेटिक लैप्स रेट के लिए एक्सप्रेशन डिराइव करना है, ऑब्टेन करना है, फिर उसके फिजिकल सिग्निफिकेंस भी बताने हैं. क्वेश्चन नंबर 14 है, ऑब्टेन द बोल्ट्जमैन रिलेशन बिटवीन एंट्रोपी एंड थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी, डिस्कस इट्स सिग्निफिकेंस. क्वेश्चन नंबर 15, वट इज एडियाबेटिक डीमैग्नेटाइजेशन, हाउ इज इट यूज टू प्रोड्यूस लो टेम्परेचर, ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर ड्रॉप इन टेम्परेचर. क्वेश्चन नंबर 16, सो दैट द वर्क डन बाय अ गैस ड्यूरिंग एन एडियाबेटिक एक्सपेंशन प्रोसेस इज गिवन बाय दिस इक्वेशन. अ गैस इज सडनली कंप्रेस्ड बाय 10 टाइम्स इट्स ओरिजिनल प्रेशर. Calculate the rise in temperature of the gas if its initial temperature is 27 degrees Celsius. Question number 17 है यहाँ पर. Name the thermocouple that can used for measuring temperature of 70 Kelvin. जैसे यहाँ पर बताया गया है कि 70 Kelvin के लिए आपको नेम बताना है थर्मोकपल का, इस तरीके से ये केल्विन और चेंज भी हो सकता है. जो टेम्परेचर है उसको चेंज करके भी पूछा जा सकता है कि अब अगर 70 केल्विन की जगह पे 220 केल्विन हो तो आप वहाँ पर कौन सा थर्मोकपल यूज़ करेंगे. तो आपको वो थर्मोकपल्स के नाम भी पता होने चाहिए, उनकी रेंज भी पता होनी चाहिए, प्लस उनके डीमेरिट्स और मेरिट्स भी पता होने चाहिए. इसी क्वेश्चन में आगे प्रोसीड करते हैं. कैलकुलेट द थर्मो ईएमएफ अक्रॉस द टू जंक्शन ऑफ थर्मोकपल विथ C1 एंड C2 गिवन है. When its hot junction is at 200 degree Celsius, more than the cold junction temperature. आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ पर hot junction को आपको कहा गया है कि वो 200 more है cold junction से. आपको hot junction की भी temperature यहाँ पर बताई नहीं गई है, एक अनुमान दिया गया है कि जो cold junction है वो जो भी है उससे 200 degree Celsius hot junction ज़्यादा है, और इस तरीके से आपको यहाँ पर calculate करना है. क्वेश्चन नंबर 18 है, डिराइव वेंडरवॉल्स इक्वेशन ऑफ स्टेट फॉर अ रियल गैस, डिस्कस द शॉर्टकमिंग्स ऑफ दिस इक्वेशन, स्टेट एनी वन मॉडिफाइड इक्वेशन ऑफ स्टेट दैट ओवरकम्स द शॉर्टकमिंग्स. क्वेश्चन नंबर 19 है, अ रिवर्सिबल इंजन कन्वर्ट्स 1/6 ऑफ द हीट इनपुट इनटू वर्क इफ़ द टेम्परेचर ऑफ द सिंक इज रिड्यूस टू 335 केल्विन, इट्स एफिशिएंसी इज डबल्ड. कैलकुलेट द टेम्परेचर ऑफ द सोर्स एंड सिंक. इस तरीके से आपको कार्नोट साइकिल के बारे में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वहाँ पर सिंक और सोर्स के टेम्परेचर को पूछा जा सकता है, या फिर कितना आउटपुट आएगा इसके बारे में भी पूछा जा सकता है. इस तरीके का एक और 20 नंबर में क्वेश्चन है, फॉर अ हीट इंजन वर्किंग बिटवीन टेम्परेचर T1 एंड T2, सो ऑल द स्टेप ऑफ कार्नोट साइकिल ऑन द TS डायग्राम, देन कैलकुलेट द एफिशिएंसी ऑफ द इंजन. हम अभी बात कर रहे थे कि इसकी एफिशिएंसी को कैलकुलेट करने के लिए भी कहा जा सकता है, आप देख सकते हैं यहाँ पर पूछ लिया गया. क्वेश्चन नंबर 21 है, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द पार्टीशन फंक्शन ऑफ एन आइडियल मोनोएटॉमिक गैस, हेंस ऑब्टेन एंड एक्सप्रेशन फॉर इट्स एंट्रोपी. क्वेश्चन नंबर 22 है यहाँ पर, व्हाट इज ब्राउनियन मोशन. ब्राउनियन मोशन के बारे में हम आपको बता दें तो जो जिगजैग मोशन होती है मॉलिक्यूल की उसे हम ब्राउनियन मोशन कहते हैं. आगे प्रोसीड करें, गिव एटलीस्ट 3 एग्जांपल्स ऑफ सच अ मोशन. इस टाइप के मोशन के आपको 3 एग्जांपल देने हैं. तो इसका जो बेहतरीन एग्जांपल हो सकता है वो है सेडिमेंटेशन, डिफ्यूजन ऑफ पॉल्यूटेंट्स इन आवर एटमोसफेयर और स्मोक पार्टिकल्स इन एयर, या फिर मोशन ऑफ गैल्वेनोमीटर मिरर और जॉनसन नॉइस इन एम्पलीफायर्स. एम्पलीफायर्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस में होते हैं, तो उसके अंदर जो जॉनसन नॉइस होता है वो भी ब्राउनियन मोशन का एक एग्जाम्पल है.
फिर इसके आगे इसी क्वेश्चन में आ जाएं, तो यूजिंग आइंस्टाइन थ्योरी ऑप्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर द मीन स्क्वायर डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ ब्राउनियन पार्टिकल। जो आप ये क्वेश्चन देख रहे हैं 22, ये कभी भी 5 मार्क्स में नहीं पूछा जाएगा, ये 8 to 10 मार्क्स में पूछा जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आपसे 4 चीज़ें पूछ ली गई हैं। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 23 के अंदर, व्हाट आर इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स। सो एंड गिविंग एग्जाम्पल दैट द रेशियो ऑफ टू एक्सटेंसिव वेरिएबल्स इज इंटेंसिव एंड द स्पेसिफिक वैल्यू कॉरस्पॉन्डिंग टू एन इंटेंसिव वेरिएबल इज एन एक्सटेंसिव वेरिएबल। ये जो क्वेश्चन नंबर 23 है, इसका एक्सप्लेनेशन आपको आपके बुक में यूनिट नंबर 1 में मिल जाएगा। यूनिट नंबर 1 जो है वो बेस फाउंडेशन तैयार करके देता है, ताकि आप आगे की तरफ जो आपका थर्मोडाइनमिक्स PH6 का जो कोर्स है उसको प्रोसीड कर सकें। क्वेश्चन नंबर 24 है, स्टेट एंड एक्सप्लेन जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, डिस्कस इट्स सिग्निफिकेंस। अगर इग्नू के एग्जाम के लिहाज से हम बात करें तो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स और जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स दोनों को स्टेट और एक्सप्लेन करने के लिए पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 25 है, व्हाट इज ट्रांसपोर्ट फिनोमिना, ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर विस्कोसिटी ऑफ अ गैस, एज्यूम दैट द एवरेज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्रॉसिंग एन आर्बिट्रेरी प्लेन फ्रॉम आइदर साइड पर यूनिट एरिया पर सेकेंड इज 1/4 एन न्यू, डिस्कस इट्स प्रेशर एंड टेम्परेचर डिपेंडेंस। क्वेश्चन नंबर 26 है, द थर्मोडाइनमिक प्रोबेबिलिटी ऑफ बोस आइंस्टाइन डिस्ट्रीब्यूशन इज गिवन बाय दिस इक्वेशन, ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर बोस आइंस्टाइन डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। क्वेश्चन नंबर 27 है, डिस्कस फाउंटेन इफेक्ट ऑब्जर्व इन लिक्विड हीलियम एट लो टेम्परेचर। क्वेश्चन नंबर 28 है, कंप्यूट फर्मी एनर्जी ऑफ अ मोनोवेलेंट मेटल यूजिंग द फॉलोइंग डेटा। यहाँ पर मोनोवेलेंट मेटल का आपको फर्मी एनर्जी कैलकुलेट करना है, और आपको पूरा डेटा प्रोवाइड किया गया है इस क्वेश्चन के अंदर, ये 5 मार्क्स में पूछा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 पे आ जाते हैं, 29 पे, द मीन फ्री पाथ ऑफ अ मॉलिक्यूल ऑफ अ गैस एट 27 डिग्री सेल्सियस इज 6.0 × 10⁻¹⁸ मीटर, कैलकुलेट द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस, द रेडियस ऑफ द मॉलिक्यूल इज 1.8 angstrom, कैलकुलेट kb = 1.38 × 10⁻²³ जूल केल्विन इनवर्स। क्वेश्चन नंबर 30 है, स्टेट द थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स एंड सो दैट द हीट कैपेसिटी ऑफ अ सब्सटेंस कन्वर्ज एज T tends to 0। थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स यहाँ पर आपको स्टेट करने के लिए कहा गया है। इसके बाद तो आपको ये शो करना है कि जो हीट कैपेसिटी होती है एक सब्सटेंस की, वो कन्वर्ज करती है T tends to 0 तक। क्वेश्चन नंबर 31 है, डिफाइन द टर्म एडियाबेटिक लैप्स रेट, ऑप्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर एडियाबेटिक लैप्स रेट फॉर द अर्थ एटमोसफेयर। क्वेश्चन नंबर 32, डिफाइन एंट्रोपी, कैलकुलेट द चेंज इन एंट्रोपी व्हेन टू गैसेस केप्ट इन सेपरेट कंटेनर्स आर अलाउड टू मिक्स। क्वेश्चन नंबर 33 है यहाँ पर, सो दैट द बॉयल्स टेम्परेचर TB इज रिलेटेड टू क्रिटिकल टेम्परेचर TC थ्रू द रिलेशन TB = 3.375 TC। एक क्वेश्चन आया 34 नंबर में, डिफाइन मीन फ्री पाथ। मीन फ्री पाथ को आपको डिफाइन करना है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक दूसरे से टकराते हैं हमेशा, और इससे एक मॉलिक्यूल अगर आप कंसीडर करें तो वो मॉलिक्यूल जिस मॉलिक्यूल से टकराता है और जिस पाथ को वो ट्रेवल करता है उसको आप ड्रॉ कर लीजिए इमेजिनरी, तो आप देखेंगे कि वो पाथ रेगुलर नहीं है, इरेगुलर है। तो और हर मॉलिक्यूल अलग अलग पाथ को ऐसे कवर करता है, अलग अलग डिस्टेंस होती है उसके अंदर, तो उन सभी का जो एवरेज होता है उसे हम कहते हैं मीन फ्री पाथ। अगर आप इसे डिफाइन करें तो इस तरीके से कहेंगे, मीन फ्री पाथ इज़ द मीन डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ मॉलिक्यूल बिटवीन टू सक्सेसिव कॉलिजन्स, इट इज़ डिनोटेड बाय लैम्डा। और यहाँ पर सर्वाइवल इक्वेशन की बात कही गई है, तो हम आपको सर्वाइवल इक्वेशन भी दिखा देते हैं कि किस तरीके का वो इक्वेशन होगा जिसे आपको यहाँ पर डिराइव करना है। मैं यहाँ पर लिख देती हूँ वो इक्वेशन, n = n0 exponent - x / λ।
ये होता है सर्वाइवल इक्वेशन, इसे आपको डिराइव करना है। एक और चीज़ मैं आपको ग्राफ भी थोड़ा सा यहाँ पे ड्रॉ करके बता देती हूँ कि सर्वाइवल इक्वेशन का अगर ग्राफ ड्रॉ करने के लिए आता है तो आप वहाँ पर किस तरीके से प्लॉट करेंगे। ये देखिए आप, ये होगा एफ एक्स, एक बार और ठीक है, ये लीजिए, ये हो गया आपका एफ एक्स, ये होता है एक्स बाय लैम्डा, ठीक है। और ये जो ग्राफ होती है वो इस तरीके से आती है, टच नहीं करेगी बिल्कुल भी, सीधे निकल जाएगी। और ये देखिए आप, ये पॉइंट होता है, ये है 0.37 और ये होता है 1। ये है द प्लॉट ऑफ सर्वाइवल इक्वेशन, अगर प्लॉट करने के लिए कहा जाए तो इस तरीके से हम उसे प्लॉट करते हैं। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। स्टेट टू कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ब्राउनियन मोशन, राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ अ फ्री ब्राउनियन पार्टिकल मूविंग अलोंग अ पर्टिकुलर डायरेक्शन यूजिंग लेंजविन्स आर्गूमेंट। वाई डू वी वर्क विथ मीन स्क्वायर डिस्प्लेसमेंट रेदर दैन द मीन डिस्प्लेसमेंट, जो हमने लास्ट पढ़ा है वाई से लेकर के डिस्प्लेसमेंट तक। यहाँ पर आपको एक आर्गूमेंट देना है, एक रीज़न देना है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 36 पे आ जाते हैं। डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर प्लैंक्स लॉ ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन यूजिंग दिस लॉ, ऑब्टेन विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ एंड स्टीफन्स लॉ। क्वेश्चन नंबर 37, द वर्क डन बाय हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर इज डिफाइंड बाय दिस एक्सप्रेशन। इफ एन मोल ऑफ एन आइडियल गैस आर मेड टू अंडरगो आइसोथर्मल प्रोसेस कैलकुलेट द वर्क डन। यहाँ पे आपको वर्क डन कैलकुलेट करना है और पूरा जो सिचुएशन है वो आपको एक्सप्लेन किया हुआ है क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन नंबर 38 है, एस्टैब्लिश बोल्ट्जमैन एंट्रोपी रिलेशन। क्वेश्चन नंबर 39, द थर्मोडाइनेमिक प्रोबेबिलिटी फॉर अ फर्मी डिराक सिस्टम इज गिवन बाय दिस एक्सप्रेशन। यूजिंग दिस डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन एंड प्लॉट इट फॉर टी इज इक्वल्स टू 0 केल्विन एंड टी टेम्परेचर इज ग्रेटर दैन 0 केल्विन। यहाँ पर आपको दो केसेस दिए हुए हैं और दोनों केसेस के लिए आपको ग्राफ प्लॉट करना है, साथ ही साथ एक्सप्रेशन डिराइव करना है डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन के लिए। क्वेश्चन नंबर 40 पे आ जाते हैं, ड्रॉ अ लेबल्ड डायग्राम फॉर द एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट यूज्ड इन एडियाबेटिक डीमैग्नेटाइजेशन ऑफ अ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। स्टेट द लोएस्ट टेम्परेचर अटेनेबल विद दिस मेथड एंड एक्सप्लेन व्हाई माउंटेनर्स फाउंड इट डिफिकल्ट टू कुक देयर फूड एट हाई एटीट्यूड। तो ये तो था वो क्वेश्चन जिसके अंदर हमने 1 to 40 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। आज हमने सिर्फ क्वेश्चन ही बताए हैं आपको PHA 6 के। एक और चीज़ कि जब भी आप अपना प्रिपरेशन करेंगे एग्जाम को लेकर के, ये चीज़ हमेशा आप ध्यान में रखिएगा कि SAQ और टर्मिनल क्वेश्चंस के साथ साथ आपको अपना जो ब्लॉक्स हैं तीनों ब्लॉक्स उसको काफ़ी अच्छे से स्टडी करना पड़ेगा, खास करके वो स्टेटमेंट वो कुछ पॉइंट्स जो हमने इस वीडियो के अंदर इंक्लूड किया है, क्योंकि हम कोशिश उन पॉइंट्स को इंक्लूड करने की करते हैं अपने वीडियोज़ में जो काफ़ी बार अपीयर हो चुके हैं आपके एग्ज़ाम में। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके बताएँ। अगर आपको किसी भी और इग्नू के कोर्सेज में कोई हेल्प चाहिए, कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, जय हिंद जय भारत।